आज मैं शेयर कर रही हूँ सबकी फेवरेट नान खटाई की रेसिपी, वो भी बनाएंगे तवे पर फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड, तवे पर बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी खस्ता हमारी नान खटाई तैयार होगी, वो भी बजट में। यूजली हम कढ़ाई, कुकर या फिर ओवन में बेक किए हैं, लेकिन आज मैं तवे पर बनाने वाली हूँ फ्रेंड, बिल्कुल आसान तरीके से। इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है फ्रेंड, बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। इसमें हम बटर या देसी घी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता बिस्किट बनाएंगे फ्रेंड। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, हमने ले लिया है एक मिक्सर का जार, उसमें हम डाल देते हैं 60 ग्राम चीनी। जी हाँ फ्रेंड, 60 ग्राम हमें चीनी लेना है। तो जो मैं स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट बता रही हूँ, आप उस तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी आपकी बिस्किट तैयार होंगी। तो दे सकते हैं। अब इसमें हम ले लेंगे इलायची का पाउडर। तो मेरे पास फ्रेंड इलायची का पाउडर था, मैंने इसमें ले दिया है 1/4 चम्मच। अब इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, साथ ही अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का फाइन पाउडर बना के हमें रेडी करना है। अब ले लेते हैं हम एक बाउल, बाउल में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे फ्रेंड मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद हम इसमें हम डाल देते हैं 90 ml ऑयल, तब भी मैंने 60 ml लिया है। तो देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग डालना है आपको। आप चाहें तो इसमें देसी घी या फिर बटर का यूज कर सकते हैं, मैंने फ्रेंड रिफाइंड ऑयल्स बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 90 ml का तेल इस्तेमाल किया है। अब इसे इस्तेमाल करने के बाद फिर इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है क्रीमी टेक्सचर होने तक। तो देख सकते हैं इसी तरह हमें लगभग 3 से 4 मिनट के लगातार अच्छे से मिक्स करना है इसमें, ताकि अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आ जाए, उससे बहुत ही खस्ता बिस्किट हमारे तैयार होंगे फ्रेंड। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। तो देख सकते हैं इसी तरह लगातार आपको फेंट लेना है तो क्रीमी टेक्सचर में एकदम आ जाएगा। तो देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी इस तरीका होना चाहिए। अब फ्रेंड इसमें हम डाल देते हैं 1 स्पिंच नमक। तो आप बिल्कुल ऑप्शनल फ्रेंड, अगर थोड़ा सा आपको नमक डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना फिर स्किप कर दीजिए। साथ ही हम डालेंगे इसमें, तो देख सकते हैं मैंने 1 टेबल स्पून लिया है इसमें बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर देखिए इसका मेजरमेंट मैंने इसमें चम्मच से बता दिया है, ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो 1/2 चम्मच हमें डालना है इसमें बेकिंग पाउडर। तो इसी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं फ्रेंड चम्मच, अगर आपके पास हो और छोटा टेबल स्पून हो इस तरह का। तो इस चम्मच में 1/4 चम्मच है फ्रेंड, तो दे सकते हैं आप। इस तरह आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों मेजरमेंट्स आपको बता दिया है कि आप कैसे डाल सकते हैं। अब तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है फ्रेंड, लगभग 10 से 20 सेकेंड के लिए, और इसे अच्छे से फेंट लीजिए। तो देखिए अच्छे से मैंने फेंट के इसे रेडी कर लिया, इसे अब हम साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रेंड मैदा लिया है उसे अच्छे से छान लेते हैं, ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो इसे अच्छे से हम छान लेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा बिस्किट तैयार होगा। तो देख सकते हैं इस तरह का मैंने छनली ले लिया है, उसमें हम छान लेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया था, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड 1/2 कप हमें बेसन लेना है। तो देख सकते हैं जो मेजरमेंट्स बता रहे हैं फ्रेंड, वही स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर अपनाइएगा, बहुत ही टेस्टी आपकी बिस्किट तैयार होंगी। इसमें फ्रेंड 3 चम्मच आप सूजी ले लीजिएगा। तो 1/4 कप से देखिए मैंने 3/3 भाग में लिया था। अब इसे देखिए अच्छे से हम छान लेते हैं, ताकि अच्छे से मिल जाए। अब इसमें जो मैंने पेस्ट बना के रखा था तेल का और चीनी का, इसमें हम डाल देते हैं। तो मैंने 1 चम्मच तक लगभग बचा के रखा है फ्रेंड, अगर कम पड़ेगा तो डालेंगे। पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसी तरह हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, बहुत ही हार्डली इसे हमें नहीं गूंथना है। तो देख सकते हैं इसी तरह अच्छे से डो तैयार कर लेना है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए अच्छे से डो हमारा तैयार हो गया है। इसमें जो 1 चम्मच मैंने बचा के रखा था फ्रेंड, उसे भी इसमें यूज़ कर दिया है मैंने। काफ़ी अच्छे से मेजरमेंट से फ्रेंड अच्छे से सेट हो गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड काफ़ी अच्छे से ये बन गया है। अब इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि फ्रेंड अच्छे से ये जो भी हैं जम जाते हैं, जब भी हम इसका बिस्किट बनाएंगे फ्रेंड तो इसका क्रैक्स आते हैं, तो काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए इसी तरह का आप कोई भी मेजरमेंट से अपने हिसाब से बना सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको मेजरमेंट ना समझ में आए तो आप चम्मच की सहायता से उसमें यूज़ करके आप आसानी से इसका राउंड बना सकते हैं। तो मैंने देखिए इतने शेप का बनाया है। इसके ऊपर अब हम लगा देते हैं, मैंने यहाँ तरबूजे के बीज लगा दिया है फ्रेंड। अगर आपके पास ना हो तो बिल्कुल ऑप्शनल है, या फिर टूटी फूटी हो या फिर बादाम कुछ भी हो तो आप लगा सकते हैं। इसका लुक देखने में काफ़ी टेस्टी लगेगा और बहुत ही मज़ेदार दिखता है। इसी तरह देखिए हमें तैयार करना है फ्रेंड। तो ऐसे मैं दोबारा एक बार फिर बता दे रही हूँ आपको। तो देख सकते हैं इसी तरह आपको बना के इसके ऊपर आप इसे भी लगा सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगता है। और खरबूजे के बीज भी इसमें जब कुक हो जाएंगे तो बहुत ही उभर के आते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है देखने में, इसीलिए मैंने इसमें लगा दिया है। तो देख सकते हैं इसी तरह हमें सबको ट्राई कर लेना है, काफ़ी टेस्टी हमारे बिस्किट बनकर रेडी हो जाएंगे।
इसी तरह मैं सब बना लेती हूँ फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबको बनाकर रेडी कर लिया है फ्रेंड, काफ़ी अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। इसमें देखने का आपका टेक्सचर पता चल रहा होगा कि कितने टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। अब यहाँ पे हम गैस ऑन कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह का मैंने जाली ले लिया है। अगर आपके फ्रेंड तवा मोटे हों तो आप इसके नीचे आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे बिस्किट काफ़ी टाइम तक कुक होंगी और काफ़ी अच्छे से खस्ता बन जाएंगी। तो अब इसमें हम लगा देते हैं थोड़ा सा ऑयल फ्रेंड। तो देख सकते हैं इसी तरह अच्छे से ग्रेस कर लेना है। अब ग्रेस करने के बाद अब इसमें हम बिस्किट डाल देते हैं। तो थोड़ा दूर दूर के ही फ्रेंड डालिएगा, ज़्यादा नज़दीक आप बिल्कुल मत डालिए ताकि ये जब फूलेंगे तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इसी तरह का आपको देखिए अच्छे से रख देना है। अब इसे मैं ढक लेती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए बिल्कुल चिपक जाएगा इसमें, इसीलिए आप कोई भी बर्तन ऐसा रखिएगा जिसमें इसमें चिपके ना, क्योंकि अभी फूल के ये तैयार होंगे अच्छे से। इसे हमें 20 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने के लिए रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्रैक्स भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितने टेस्टी हमारे बिस्किट कुक हो गए हैं, बहुत ही खस्ता बनी है फ्रेंड। बेकरी से भी अच्छे घर में आप बिस्किट आसानी से तवे पर ही बना सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो लीजिए हमारी परफेक्ट बिस्किट बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड। 100% गारंटी देती हूँ काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगी। आप आसानी से इसे बना सकते हैं फ्रेंड बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप इसे घर में आसानी से फ्रेंड बिल्कुल बजट में तवे पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, अंदर से भी एकदम क्रिस्पी बने हैं और ज़्यादा जले हुए बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। तो तवे पर भी आसानी से आप इस तरह बना सकते हैं, वो भी बजट में, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेक्सचर में। देख सकते हैं फ्रेंड कितने टेस्टी हमारे बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं। आप जब भी आपका खाने का मन हो आप आसानी से बना सकते हैं, कितने टेस्टी हमारे बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं। इस तरह एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब बेकरी में क्यों जाना फ्रेंड, जब घर में ही आप आसानी से इस तरह बिस्किट बनाकर रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं बेकरी से भी अच्छी है, आप घर में आसानी से बिस्किट बनाकर रेडी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड, घर वालों भी आपके खुश हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। वीडियो सच में अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितनी टेस्टी है, हमारे बिस्किट रेडी हो गई हैं। तो इस तरह बनाइए, इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके फ्रेंड। और साथ ही फ्रेंड हमें इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।